ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी हम लोग चलेंगे वेव मैकेनिक्स किसको बोलते हैं, वेव में 50% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, 50% पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होता है। वेव मैकेनिक्स मीन्स 50% काइनेटिक ऑसिलेटरी एनर्जी एंड 50% काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट में क्या होता है 50% इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी होती है और 50% मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी होती है। तो एक मिनट इसको हम कॉपी पर डिराइव करेंगे इस फार्मूला को, तो बस आपको फार्मूला याद रखना है, एग्जाम के लिए पूछता है आपसे। एक मिनट, देखिए आपको दिख रहा होगा। यस, तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर एक फार्मूला याद रख लेना है भाई साहब। जैसे ये थ्रेड है और यहां पर मैं इसको हर वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो एनर्जी फ्लो करेगा, हर वक्त एनर्जी फ्लो करेगा, तो आखिर कितने एनर्जी होगा। तो पहले फार्मूला याद रख लीजिए, पी एवरेज थ्रेड में आपको कैसे याद रखना है, म्यू, म्यू मीन्स लीनियर मास डेंसिटी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, 2π/ν² ध्यान रखिएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय 2, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब एवरेज। और ये बहुत ही सिंपल है, आप पहले हम लोग एग्जामिनेशंस को देखिए, ये जो पावर आप इसमें भेज रहे हैं वो वेव के रूप में जा रहा है, ऑसिलेशंस के रूप में जा रहा है। ये इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, पी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया स्क्वायर के होता है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के होता है, वेलोसिटी सिंगल के होता है और म्यू सिंगल पावर के होता है। जैसे अगर आपसे बोले कि मैं फिंगर से इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसको फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, सपोज कीजिए न्यू से 2 न्यू, तो कितना टाइम्स मैंने एनर्जी ज्यादा दे दिया, तो 2 न्यू स्क्वायर, 2π/ν² मींस 4 टाइम्स आपने एनर्जी ज्यादा डाल दिया। तो अगर आपसे पूछे कि एम्पलीट्यूड ए से 2a, 2 मिलीमीटर से मैं एम्पलीट्यूड कर दिया 1 मिलीमीटर, आधा कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को मैंने हाथ से डिस्टर्ब कर रहा हूं जस्ट ऐसे, और फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू कर दिया, तो आपने वेव एनर्जी कितना ट्रांसफर किया। पहले अगर पी एवरेज ट्रांसफर करते थे तो आंसर क्या होगा, नो चेंज, बिकॉज एम्पलीट्यूड स्क्वायर है और फ्रीक्वेंसी भी स्क्वायर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप देख लेंगे, ये थ्रेड का होता है। और अगर आपसे पूछे कि एवरेज काइनेटिक ट्रांसफर क्या होता है, इसका एक डायग्राम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए ये पल्स है, तो ये पल्स जो होगा उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पल्स है, ये सिग्नल को जाते हुए ऐसे देखा मैंने एट टाइम t1 पर। नाउ ये मीडिया पार्टिकल नीचे आया होगा, पल्स ऐसे जा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो फाइनल पल्स का डायग्राम क्या होगा, ऐसे होगा भाई साहब ऐसे। तो ये वाला पल्स क्या होगा, ये मीडिया पार्टिकल उठेगा, ये वाला मीडिया पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये वाला मीडिया पार्टिकल नीचे आएगा। तो हेयर इज मोर स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच है, यहां तना हुआ ज्यादा है, मींस मैक्सिमम स्ट्रेच, और हेयर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो मैक्सिमम होगा। मतलब ये जैसे ही ऊपर उठेगा ना, तो ये बगल वाले थ्रेड को देगा कि तुम भी लो एनर्जी भाई यहां से। ये अगर नीचे गया देखिए पल्स ऐसे था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, देखिए टॉप टॉप ऐसे जा रहे हैं ऐसे, फिर ये कैसे जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये पल्स फिर नीचे आएंगे। तो यहां पर जो पल्स होंगे भैया, ये पार्टिकल अब एनर्जी नहीं भेजेगा, ये टॉप का पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, काइनेटिक पोटेंशियल 0-0 ट्रांसफर करेगा। और यहां पर मीन पोजिशन है, इस वक्त ये बगल वाले मतलब इसको इस थ्रेड को एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल ज्यादा ट्रांसफर करेगा। तो आप यहां पर हर वक्त, अगर सपोज कीजिए ये पल्स अगर कहीं भी हो, सपोज कीजिए पल्स यहां है, तो ये पल्स गया तो ये ऊपर जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स लगा के ऐसे कर देगा इसको ऊपर, ये वाला टेढ़ा को ऊपर कर देगा। तो जाहिर सी बात है यहां भी 50% इसको दे रहा है काइनेटिक और 50% पोटेंशियल दे रहा है पावर, लेकिन यहां पर जो एनर्जी देगा ना, यहां से कम देगा, यहां पर ज्यादा देगा मीन पोजिशन पर। तो ये सब याद कर लीजिएगा, मीन पोजिशन पर ज्यादा ट्रांसफरिंग होती है।
तो आप एनर्जी ट्रांसफर का वो फॉर्मूला कर लीजिएगा, पावर ट्रांसफर का। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा इसका, अगर आपसे मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको थोड़ा सा। एक मिनट का डायग्राम है ये। जैसे मान लीजिए पल्स है, और ये अभी मैंने जस्ट डायग्राम ड्रॉ किया कि ये पल्स मान लीजिए नीचे आ रहा है, तो ये वाला धागा कैसे हो जाएगा, थ्रेड ऐसे हो जाएगा, और यहां पर जो थ्रेड है ना भैया, ये वाला थ्रेड ऊपर चले जाएंगे ऐसे, और ये वाला थ्रेड ऐसे होगा। तो किसी भी वक्त थ्रेड तन गया, देखिए कहां स्ट्रेच ज्यादा है, यहां स्ट्रेच ज्यादा है, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी होगा तो ज्यादा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पर रिलैक्स करना चाहेगा, तो रिलैक्स करने के क्रम में ये ज्यादा ट्रांसफर करेगा। तो बस फॉर्मूला याद कर लेना है। तो कितना काइनेटिक ट्रांसफर होगा, हाफ डी एम पार्टिकल का स्क्वायर, पार्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, वी पार्टिकल। अब आप जानते हैं ना, वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म कर लीजिएगा, ये एक होता है डी बाई डी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई वी स्क्वायर डी टू बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज कैलकुलस फॉर्म ऑफ वेव। इफ एनी इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। दिस इज फॉर जेई एडवांस बैच, ओके। तो आप थोड़ा सा समझिए बात को, कैसे हम प्रूव करेंगे डी के। थोड़ा सा देखिए, ये आप ऐसे लिख दीजिए, हाफ डीएम क्या लिखेंगे, म्यू इंटू डी एक्स, और पार्टिकल वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी इक्वेशन आपके सर ने बताए होंगे, एम्पलीट्यूड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, डी बाई बाई डी टी मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी। तो ए सॉरी ए कॉस, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है, ये रिग्रेट है ना भैया, एक ये कितना हो जाएगा पार्टिकल टाइम के रेस्पेक्ट में, माइनस ए ओमेगा कर दीजिएगा भाई साहब। तो यहां पर आप रख दीजिए ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, बस ऐसे हल्का फुल्का कर देना है। तो ये काइनेटिक हो गया। अब ये इसको नीचे ये टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डी के बाई डी टी, मतलब ऐसे ही मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं बस लाइटली, वेव का कॉन्सेप्ट अभी मैं शुरू करूंगा। हाफ म्यू और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा भाई साहब, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी वेव स्पीड होगा, अंडर टी बाई म्यू होगा। तो दिस इज नथिंग बट डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी मीन्स वेव स्पीड, तो दिस इज वेव स्पीड। और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी होंगे। अब आप ये देखिए, ये पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी है, तो आपके फिंगर से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे धागा को डिस्टर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये डी के बाई डी टी क्या हो गया, पर सेकेंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ थ्रेड, ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ थ्रेड मीन्स दिस इज ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो ट्रांसफरिंग काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड को क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला को हो गया ना, ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तेजी से डिस्टर्ब होती है, तो एवरेज आप ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर का लो वैल्यू क्या होता है, जीरो, और हाई वैल्यू क्या होता है, वन, ओके, बाई टू कर दीजिएगा तो हाफ हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी कफ एंड कोल्ड है, तो आई विल जस्ट गेट रिकवर। तो ये डी के बाई डी टी आप एक बार देख लीजिएगा, ये पर सेकेंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया। वेव क्या होता है भैया, वेव काइनेटिक का एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो इतना ट्रांसफर होगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मत लगाइएगा, सी थ्रेड नॉट कैरिंग हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल, दिस इज एनर्जी कैरिड बाय स्प्रिंग। और वेव में एवरीवेयर टेंशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट। इफ टेंशन इक्वल टू के एक्स देन एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को क्या होता ना, तो फोर्स टी। और मान लीजिए कि मैंने धागा ऐसे था, किसी वक्त धागा ऐसे हो गया, धागा या थ्रेड, तो धागा ऐसे हो गया, तो ये एक्स हुआ होगा डी एक्स, और ये हाइट क्या हो गया होगा डी बाय। अब धागा तो डी एक्स था, डी एक्स पार्ट ऑफ धागा था, धागा तिरछी हो गई, ऑब्लिक हो गई, तो धागा का लेंथ बढ़ गया, तो धागा बढ़ गया मतलब स्ट्रेच हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को रख लिया। तो डीएल को क्या को लिखते, तो डीएल को लिखते डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा धागा के पास, ये सब ट्रांसफर करेगा, ये सब रखेगा नहीं अपने पास, ये सब भेजेगा।
तो कितना भेजेगा? तो टेंशन कांस्टेंट है, मींस मैंने पल्स बहुत छोटा पल्स दिया है, बहुत छोटा पल्स, जिससे टेंशन एवरीवेयर क्या हो, कांस्टेंट। तो आपको एनर्जी पर से के डीयू कितना होगा, डीएक्स पार्ट ऑफ धागा कितना एनर्जी रखेगा पोटेंशियल, ये भेजता जाएगा पर सेकेंड। तो आप फॉर्मूला कैसे को लाते, बोलिए, टेंशन इंटू क्या होता है, हाँ ये टेंशन हो गया और ये डीएल माइनस डीएक्स। देखिए कि कैसे हो गया, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एनर्जी वर्क, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ तो क्या हो गया, हर वक्त टी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या को होता, डिस्प्लेसमेंट होता इनिशियल थ्रेड लेंथ, क्या था इनिशियल थ्रेड लेंथ था डीएक्स, और डीएक्स ये टेढ़ा हो गया, ये हो गया डीएल, तो लेंथ चेंजेस फ्रॉम डीएक्स टू डीएल। देखिए मतलब इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इतना पोटेंशियल होगा, फोर्स इंटू स्ट्रेचिंग, दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मीन्स पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी। तो आप ऐसे को सॉल्व करते, डीएल क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब ये डी यू को आप लाते ना, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, डी एक्स को बाहर कीजिए, और यहां को क्या होता, ये आप कैसे लिखेंगे बोलिए, वन वन प्लस हाफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी एक्स वन, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या आएगा पोटेंशियल, मैं हल्का सा ब्रीफिंग कर रहा हूं कि कैसे वेव के थीम को समझिए, वेव इज वेरी टफ टॉपिक ऑफ फिजिक्स अनडाउटेडली, टी डी एक्स, और यहां पर क्या को होता, हाफ डी वाई बाई डी एक्स या पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिएगा, अब आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मीन्स दिस मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चेंज मीन्स व्हाट, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग मीन्स व्हाट, वेव। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफरिंग एक बार देख लीजिएगा, तो टी और डी एक्स बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और डी टी का क्या मतलब होता है, टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम समथिंग, दिस श्योरली मीन्स वेलोसिटी बिकॉज दिस इज पोटेंशियल चेंज, तो दिस मस्ट बी वेव वेलोसिटी, तो दिस इज वेव वेलोसिटी और दिस इज हाफ, और डी बाई बाई डी एक्स, तो वेव इक्वेशन क्या को था आपका पास, तो वेव इक्वेशन वी नो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था। तो अब आप इसको डी बाई डबल डेरिवेटिव कीजिए, डी बाई बाई डी एक्स कीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स क्या होता, डी बाई बाई डी एक्स विल बिकम ए, और एक्स के रिस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और कोफिशिएंट के ए है, तो डी बाई बाई डी एक्स वी नो दिस वैल्यू, तो प्लीज पुट हियर, तो ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लाइकवाइज। तो आप देखिए ये डी यू बाई डी एक्स आपको क्या आता, टेंशन वेलोसिटी ए के बाई टू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर। अब आप केयरफुली देखिए, ये वेव का ट्रांसवर्स धागा का वेव का इक्वेशन क्या होता है, योर टीचर मस्ट आउट वेलोसिटी इक्वल टू आपके आपके फैकल्टी प्रोफेसर ने क्या बताए थे, अंडर रूट वी इक्वल टू टी बाई म्यू बताए थे, है ना, तो टी के प्लेस पर आप रख दीजिए, टी क्या होगा बोलिए, टी होगा म्यू इंटू वी स्क्वायर इंटू वी और ए, और ये देखिए ये ए स्क्वायर के स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर के स्क्वायर, और ये टू, और कॉस स्क्वायर का एवरेज ले लीजिए, क्योंकि धागा तेजी से डिस्टर्ब होता है, तेजी से मतलब एवरेज इज ऑल्सो द करेक्ट वे टू डिफाइन एवरेज ट्रांसफरिंग, ओके, तो कॉस कॉस थीटा का एवरेज होता है जीरो, क्योंकि कॉस थीटा माइनस वन और कॉस थीटा हाई वैल्यू प्लस वन, दिस विल बिकम जीरो, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है, लोएस्ट प्लस हाइएस्ट बाई टू हाफ होता है, तो आप यहां हाफ कर देंगे, अब म्यू वी क्यूब होगा, ए स्क्वायर होगा, आप देख सकते हैं, अब के क्या होता है, ओमेगा बाई वी, और बाई आप कर देते फोर, तो ये डी यू बाई डी एक्स एवरेज हो गया भाई साहब, तो ये भाई साहब आपका कितना सॉल्व करते, वी क्यूब ए क्यूब ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर फोर, आइए को देखते कटते, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफरिंग पोस्ट के सेकंड क्या होगा डिया, तो ये म्यू, फिर यहां पर देखिएगा, ओके यहां पर क्या हुआ ए स्क्वायर था, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखिए, एग्जाम नॉट आस्किंग प्रूफ, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फोर। आप देखिए इफ यू सी को केयरफुली, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो सेम इक्वेशन, सी पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो सेम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो सेम, तो प्लीज रिमेंबर,
आपको क्या याद रखनी है, अगर ये टोटल एनर्जी पर सेकंड कितना धागा फेंकेगा, तो टोटल फेंकेगा कितना, इतना फेंक रहा था पोटेंशियल डीयू बाई डीटी और इतना फेंक रहा था फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर काइनेटिक, ये बोथ इक्वल इक्वल, देन दिस इज कॉल्ड वेव, अदरवाइज वेव नॉट डिफाइंड. If this is 60%, this is 40%, wave not defined. Means wave means what? 50% potential transferring and 50% kinetic transferring, then this is called wave. As we proved. तो आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा. तो क्या आया पावर एवरेज, तो अभी जस्ट हमने लाया था म्यू वी ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाय क्या आया था भैया फोर, दिस इज द टू, सॉरी टू, देखिए एक मिनट. तो आप जाके ये देख लेंगे, ये काइनेटिक है और हमने ये कितना है बाई फोर है और पोटेंशियल बाई फोर है. आप देखिए तो इसका हाफ कितना होगा, टू होगा. तो गो एंड सी दिस फार्मूला और इस पर न्यूमेरिकल बना लीजिएगा. अब आप देखिए इंटेंसिटी, देखिए ये पावर ट्रांसफर डिफाइंड होता है भैया, लेकिन हवा के लिए इंटेंसिटी डिफाइंड होता है. क्या डिफाइंड होता है हवा के लिए भाई साहब, इंटेंसिटी. एंड थ्रेड के लिए पावर, पावर ट्रांसफर, बिकॉज उसमें वॉल्यूम नहीं होता. तो अगर एयर के लिए बोले तो इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं आप बताइए. जैसे यहां पर साउंड है, सोर्स है, और ये साउंड निकाला है इसे ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस से चेंज हो रहा है. तो आप ध्यान से देखिएगा इंटेंसिटी क्या होता है, वाट, वाट मीन्स पावर, पावर बाई एरिया, एरिया मीन्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे. तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वन बाई आर स्क्वायर. तो यहां से भी क्वेश्चन दे सकता भाई साहब, तो यहां से क्या क्वेश्चन दे सकता कि एक सोर्स है, एक स्पीकर है पॉइंट सोर्स, और यहां से एक आर रेडियस है और एक टू आर रेडियस है. तो साउंड यहां से जाता यहां, तो आप बताइए यहां पर ऑक्सीजन वाइब्रेट कर रहा है ए एम्पलीट्यूड से, तो यहां पर कितना एम्पलीट्यूड होगा अगर आपसे एग्जाम पूछे, तो कितना एम्पलीट्यूड बताएंगे, ए बाई टू. क्या को बताएंगे, तो अभी वन बाई आर स्क्वायर के होता है, तो इंटेंसिटी वन बाई आर स्क्वायर के होता है. तो यहां पर इंटेंसिटी ये कितना दे रहा है, यहां पर मान लीजिए आई है, तो यहां पर कितना को होगा, ये रेडियस टू टू आर पर कितना होगा, तो रेडियस टू आर पर होगा वन बाई आर स्क्वायर मीन्स आई बाई फोर ऐसा होगा. तो आई बाई फोर होगा, तो मीडिया पार्टिकल भी तो आर स्क्वायर से बढ़ रहे हैं ना, फोर पाई आर स्क्वायर से मीडिया पार्टिकल भी बढ़ रहे हैं भाई साहब. प्रोग्रेसिव वेव, तो आपका प्रोग्रेसिव वेव एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा. अब जैसे मैं चल रहा हूं, सपोज कीजिए स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम लोग डिटेल से करेंगे. स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स. देखिए भाई साहब, इसको हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना है, बस हमको एग्जाम पास करनी है. देखिए ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, इसकी मास एम है और इसका स्टिफनेस क्या है, के. तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो कौन वाला फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी रखता, तो यू नो एस एच एम वन बाई टू पाई अंडर रूट के वाई एम, यही होता ना. टाइम पीरियड क्या होता है इस ब्लॉक का, टू पाई अंडर रूट के वाई क्या होता है, एम बाई के. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वन बाई टू पाई इनवर्ट के बाई एम, यू नो वेरी वेल. मतलब मास मोर देन फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, वाइब्रेशन विल बी लेस. अब देखिए होता क्या है कि थ्रेड अगर दो एंड से टाइटली कनेक्टेड हो, तो थ्रेड होता क्या है कि जब आप किसी भी, मान लीजिए जब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप रूफ पर जाते हैं छत पर, तो वहाँ पर बहुत सरिया लगा रहता है ना, वो पिलर में, तो पिलर में बहुत सारे सरिया लगा हुआ रहता है ना पिलर में. तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, इस सरिया को ऐसे लूप, ये रॉड को, उसको क्या बोलते हैं पिलर में जो ये ग्रिप, इसको क्या बोलते हैं रॉड, या उसको सरिया बोलते हैं हिंदी में. हम लोग बचपन में क्या करते थे, इसको ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ देते थे, तो ये फ्लर करने लगता था ऐसे ऐसे. दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, मतलब डिस्टरबेंस रीच फॉर ए लॉन्ग टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स. जैसे कोई भी अर्थ क्विक्स होता है, कहीं भी अर्थ क्विक्स होता है, आपने देखा होगा सिस्मिक वेव्स होता है, अर्थ क्विक्स का फ्रीक्वेंसी कहीं पर ज्यादा टूट जाते बिल्डिंग, कहीं पर कम टूट जाते बिल्डिंग. क्यों, क्योंकि जैसे ही ये वेव जाएगा, द वेव सर्चेज व्हाट, वेव सर्चेज इलास्टिसिटी एंड इनर्सिया.
तो व्हेन वेव, ये दिस इज बिल्डिंग, व्हेन वेव रीचेज इनटू द बिल्डिंग अबव नो चांस टू एस्केप आउट, ऊपर से नहीं भाग सकता तो फिर वेव को वापस आना पड़ेगा भाई साहब। तो अगर वेव, ये बिल्डिंग है, अगर वेव गया तो ऊपर अगर क्रेस्ट देंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा क्रेस्ट, क्योंकि आई जस्ट डिस्कस, तो वेव वापस आएगा। तो वेव वापस आएगा तो डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द अपार्टमेंट, ये मल्टी स्टोरीड है या फ्लोर है, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट कि कहाँ पर टूटेगा। तो सपोज कि ये वेव आया और एक मीडिया पार्टिकल को, जैसे ये मान लीजिए बिल्डिंग है और वेव गया और फिर आया, और ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट है, कोई फ्लोर है, और ये वेव गया जमीन से और ये मीडिया पार्टिकल को ऐसे कर रहा है और ये आने वाला वेव भी ऐसे कर रहा है, तो ये टूट जाएगा ये अपार्टमेंट का फ्लोर, ये जो यहाँ पर अपार्टमेंट फ्लैट होंगे टूट जाएंगे। और अगर भैया अगर ये वेव गया कंटिन्यूसली और रिफ्लेक्टेड आया, और अगर ये मान लीजिए बिल्डिंग का अपार्टमेंट है, ये वाला वेव इधर फेंकना चाह रहा है सीमेंट को, ये कंक्रीट को, वॉल को, और आने वाला वेव इधर फेंकना चाह रहा है, तो दिस टू वेव्स कैंसल इच अदर, द बिल्डिंग विल बी सेफ, एंड दिस इज कॉल्ड नोड, एंड मैक्सिमम वाइब्रेशन इज कॉल्ड एंटी नोड। तो दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशंस ऑल द टाइम वी आर सीइंग इन डे टू डे वॉक्स ऑल्सो। तो देखिए आप इसमें भी पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक सा वेव, है ना। तो मैं ओवरऑल आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव्स और देखिए ये हाँ स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है उसको जरा समझिएगा। मैं ये आपको जो पढ़ना है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेव्स जब क्लैश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो रिजल्टिंग वेव्स होते हैं स्टैंडिंग वेव्स होते हैं। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब है कि एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर नहीं करता है, एनर्जी नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स पर। आप थोड़ा सा यहां देखिएगा, ये देखिए ये इसको समझाने का तरीका है, ये स्प्रिंग है और ये बॉल है, बॉल बोले तो मास। ओके, अब इसको मास को डिस्टर्ब कीजिए ऐसे, तो आप स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो कितने लूप बने, एक लूप बना, तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एक मास होंगे तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा, अगर ये दो मास हो गया, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मीन्स इलास्टिसिटी, और यहां भी स्प्रिंग है और यहां मास है और यहां स्प्रिंग है। थोड़ा सा हल्का सा मैं समझ रहा हूं, अभी स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग वेव्स बहुत सिंपल तरीके से। यहां पर मास, इसको कितने तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज यू कुड डिस्टर्ब, इफ यू डिस्टर्ब एन नंबर ऑफ वेव्स एन एन फ्रीक्वेंसी दिस विल जनरेट, आई एम डिस्टर्बिंग दिस वन ओनली सिंगल वे, द सिंगल फ्रीक्वेंसी दिस विल जनरेट। तो अगर आप इसको ऐसे डिस्टर्ब करते ऐसे, ये स्प्रिंग ले लीजिए और ये मान लीजिए ऐसे डिस्टर्ब करते, तो ये एक लूप बनता, देखिए वन लूप ओनली फॉर्मिंग, तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। और किसी बंदे ने, किसी बच्चे ने, वो आप देखते हैं ना सितार गिटार जो भी होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ऐसे डिस्टर्ब किया जाता है, या किसी बंदे ने ऐसे कर दिया, ये ऐसे था और एक मास को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया किसी बंदे ने लाइक दिस, तो कितने लूप बनेंगे, टू लूप्स, कितने लूप बने, टू लूप्स, द टू बॉल्स टू लूप्स, वन बॉल वन लूप, इफ थ्री बॉल्स, टाइम कम है इसका मैं आपको थ्रेड से बता रहा हूं, थ्री बॉल्स, तो हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी दिस विल जनरेट, थ्री लूप्स। देखिए कैसे, एक ऐसे लूप को किसी बंदे ने डिस्टर्ब किया होगा ऐसे, तो ये कितना लूप हो गया, एक, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब होगा। और किसी बंदे ने उतना ही लूप था और एक ने ऐसे कर दिया और एक ने ऐसे कर दिया और एक बंदे ने ऐसे कर दिया, तो हाउ मेनी लूप्स क्रिएटेड, थ्री लूप्स क्रिएटेड, तो दिस विल जनरेट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और कौन तेजी से डिस्टर्ब होगा, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया तेजी से वाइब्रेट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक्स और सेकंड ओवरटोन। और किसी बंदे ने डिस्टर्ब किया कैसे, एक एक एटम को वहीं रखा और एक को ऊपर कर दिया ऐसे, लाइकवाइज ऐसे, देखिएगा
ऐसे, और एक को चेंज नहीं किया, एक को बंदे को ऐसे ही रखा। तो आप बताइए इस केस में कम फोर्स लगेगा भाई साहब, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ, इसमें मैसिव एक्सटेंशन हुए, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी देगा, और ये देगा, ये इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। तो आप समझ गए, एक मास होगा लंब सिस्टम में तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा, दो मास होगा तो दो फ्रीक्वेंसी, तीन मास होगा तो तीन फ्रीक्वेंसी। लेकिन थ्रेड में होता क्या है, थ्रेड कैरिंग सेवरल मासेज विद देयर केमिकल बॉन्ड्स, सेवरल मासेज विद देयर केमिकल बॉन्ड, द थ्रेड हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो थ्रेड ऐसा भी फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता, अगर कि ये थ्रेड टेंस है, एक लूप बनाएगा। आप देख लीजिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर मेरी पकड़ नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से वो बहुत टफ होता है बढ़ाना, उसको बजाना है ना, वो बहुत ज़्यादा जो मेधावी होते हैं या एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वही वो लोग बजा पाते हैं। तो ये एक फर्स्ट ओ लूप हो गया, तो ये फर्स्ट लूप हो गया, ये फंडामेंटल है, ये स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम धीरे धीरे होगा ऐसे। और अगर किसी बंदे ने तेजी से किया, दो लूप बना दिया ऐसे, और ये वीडियो देखिएगा, फोटोग्राफ यहाँ पर कागज रखिएगा ना, पेपर छोटा छोटा पीस में फिलिंग्स रख दीजिए, पेपर फिलिंग, इफ पेपर फिलिंग नॉट लिफ्टिंग ड्यू टू सिग्नल सेटअप, देन दिस टाइप ऑफ वेव्स इज कॉल्ड स्टेशनरी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल। You can't get frequency less than this. तो अभी हमको एग्जाम पास करनी है, तो एग्जाम के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग एग्जाम के लिए चलेंगे। तो देखिए ये सेम थ्रेड है और किसी बंदे ने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, तो कितना लूप को हो गया ऐसे, तो हाउ मेनी लूप्स, 1, 2, 3 एंड दिस इज नो डिस्टर्बेंस ऑल द टाइम, दिस विल रेस्ट कॉल्ड नोड एंड दिस इज एंटी नोड्स, दिस इज नोड, तो दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक्स एंड थर्ड हार्मोनिक्स एंड सेकेंड ओवरटोन। नाम याद कर लीजिएगा, गो एंड रिमेंबर द नेम ओनली, तो ऐसा कर लीजिएगा ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग, आई विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेव मैकेनिक्स, 2 मिनट्स ब्रेक आई एम टेकिंग ओनली। देखिए ये वी विल स्टार्ट जो एग्जामिनेशंस के रेस्पेक्ट में है वही चीज डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, ओनली 2 मिनट्स ब्रेक। हम आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर 2 मिनट्स भैया।